नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का सच। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? पूनम। मैम क्या करते हो आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। क्वालिफिकेशन क्या है मैम? मेरी 10th है। मैम आप डेरा सच्चा सौदा से कब से जुड़े हो और कितना विश्वास है आपका संत? 20 साल हो गए और अपने से भी ज़्यादा, अपने जैसे कहते हैं ना पेरेंट्स है एक होता है, उससे बढ़कर है मेरे को। मैम आप कहते हो आपका इतना विश्वास है, आखिर क्या मिलता है आपको जो आज भी आप संत जी के ना रहने पे भी आप कहते हो इतना विश्वास है? एक तो उसने जो गरीब लड़कियों के लिए शादी करवाई, बहुत अच्छा लगता है। जो भी परिवार राशन के खाना वगैरह खाना है उसको जो भी बताते हैं, जो भी किसको देते हैं, वो अच्छा लगता है। और दूसरा हमें सच्ची शिक्षा मिलती है कि हमें कैसे एक दूसरे से भेदभाव मत करना चाहिए, और ये भी बताते हैं कि कैसे हमें सच्चे मार्ग पर चलना चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए, ब्लड डोनेट होता है। तो ये सभी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मनपा भलाई के कार्य जो भी हैं सभी अच्छे लगते हैं। मैम आप कहते हो कि संत जी पर आपको इतना विश्वास है, क्या सेफ्टी जो लड़कियों की है उसके बारे में बताइए, आप अपनी खुद की सेफ्टी और जो भी आपने वहाँ पर देखा? हाँ जी, ये तो सही बात है, सेफ्टी ज़रूरी होती है मेन लड़कियों की, और इस डेरा सच्चा सौदा में सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। आप सुरक्षित महसूस करते हो? बहुत सुरक्षित महसूस है। हम जब भी आते हैं ना तो एक अच्छी मिसाल लेके जाते हैं यहाँ से। मैम समाज भलाई के लिए संत जी ने क्या कार्य करे? उसने पिताजी ने हमें जो भी है रिसर्च के राह पर दिखाने के लिए बताया, गरीब लड़कियों की शादी की और ब्लड डोनेट का, सफाई बहन के बारे में बताया, बहुत से जो भलाई कार्य बढ़ चढ़ कर बताया, इससे बहुत हमें खुशी मिलती है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मैम इतने अच्छे कार्य करते हैं संत जी, तो क्या कारण है कि कौन लोग हैं जो नहीं चाहते संत जी आगे बढ़े और लगातार बदनाम कर रहे हैं संत जी को? ये तो ऐसा है कि अपना भी अपने नज़रिया का बात है, हमें तो इसमें कोई वो बुरी नहीं लगती, हम तो जैसे अच्छी अच्छाई दिखती है वही अच्छे लिखते हैं, और जो ये निंदा चुगली कर ले उनको ये लगता है ये गलत है ये वो है, वो तो उनको अपने आप ही खुद पता लग जाएगा। मैम आज संत जी की समाज को ज़रूरत है? जी। क्यों ज़रूरत है आखिर? जो इतने कार्य हुए समानता भलाई के कार्य हुए वो पिताजी ने शुरू किए थे। सरकार से क्या अपील करोगे? यही अपील करेंगे आप प्लीज़ हमारे पिताजी को हमारे पास ले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप लोग लगातार देख रहे हैं कि लगातार लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, स्पेशली जो महिलाओं का बयान होता है वो यही होता है कि मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ, ना ही मैंने कभी किसी और के साथ गलत होते हुए देखा। फिर आखिर क्यों आज संत जी पे उंगली उठाई जा रही है, क्यों मानवता भलाई के जो कार्य हैं संत जी के द्वारा चलाने के, इतनी बड़ी जो सजा एक संत को मिल रही है, इस पूरे समाज को मिल रही है? संत ये जो सजा है ये संत की नहीं है, ये समाज की है, क्योंकि आज जो कुरीतियाँ बढ़ चुकी हैं ये एक समाज को झेलना है, आगे हमने झेलना है। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।